Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. चेबूर आरसीएफ टाइप 1 के बुधवार विहार को बंद किए जाने के विरोध में धम्म जागृति अभियान की ओर से आशीष सिनेमा जंक्शन पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके कुछ ही घंटे के भीतर इन लोगों की मांग स्वीकार कर ली गई। इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुंबई सचिव प्रकाश भोसले और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट नीलेश भोसले ने किया। सिनेमा परिसर में ये जो बुद्ध विहार है, जहां हम इस समय खड़े हैं, ये बहुत पुराने समय से यहां पे बुद्ध विहार है, आरसीएफ की जगह है। यहां पे कुछ समय पहले या कुछ साल पहले, 40-50 साल पहले यहां पे झोपड़ियां बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां रहा करती थी। फिर आरसीएफ मैनेजमेंट ने हमको विनंती की कि यहां पे हम आरसीएफ में एक बुद्ध विहार बनाना चाहते हैं और आपके जितने भी लोग हैं उनको स्थलांतरित करके गणेश नगर, सह्याद्री नगर, अशोक नगर, कस्तूरबा नगर, इन विभागों में पहाड़ी एरिया पर रहने के लिए आप कहिए। वासी नाका के लोग बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने उस समय स्थलांतरण किया सिर्फ इसी एक चीज को लेके कि यहाँ पे बुद्ध विहार बन रहा है, गौतम बुद्ध की भूमि बनेगी, यहाँ पे बुद्ध की विचार जाएंगे। और दुर्दैव से कहना पड़ रहा है कि पिछले एक साल से यहाँ का बुद्ध विहार आरसीएफ मैनेजमेंट ने मनुवादी विचारधारा से प्रेरित होकर बंद करने का काम किया था। इस वासेना का विभाग में लगभग 3.5 से 4 लाख लोग रहते हैं। पूरे एरिया में सिर्फ एक लौता ऐसा बुद्ध विहार है जहाँ पे गरीब लोग, मजदूर लोग, श्रमिक लोग, कष्टकारी लोग यहाँ पे आके शादियां करते थे, बच्चों के बर्थडे करते थे, या अगर कोई गुजर जाए तो जलदान विधि करते थे। ऐसे अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आरसीएफ की इन मनोवादी विचारधारों के कारण इस बुद्ध विहार को बंद किया गया। और आप अगर अभी देख सकते हो, धूल मट्टी यहाँ पे बहुत पैमाने पर पड़ी हुई है, और आरसीएफ बुद्ध विहार को यहाँ पे बंद करने का काम इस जातिवादी व्यवस्था ने किया। वासीनाका के लोग अतिशय ये बहुत ज्यादा गंभीर रूप से इस बात को वासीनाका के लोगों ने लिया और तय किया कि किसी भी समस्या को हल करना हो तो हमको एक साथ ताकत बन के खड़ा होना पड़ेगा और एक साथ जुट के आरसीएफ मैनेजमेंट के विरोध में आज यहाँ पे निषेध करने के लिए अमरण उपोषण का अनशन का हमने प्रयोजन किया। हमें बताते हुए बहुत आनंद होता है कि दहशत के मारे सही आरसीएफ अपनी जगह पे, उनकी अकल अपनी जगह पे आई। आरसीएफ मैनेजमेंट ने अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमारे से मिलने के लिए भेजा, बात करने के लिए भेजा, और गौतम बुद्ध का बुद्ध विहार इस महाराष्ट्र की भूमि में, वासेनाका की भूमि में फिर से चालू करने का उन्होंने वादा की। जब हमारा अनशन शुरू हुआ तो हमारी भूमिका एकदम स्पष्ट थी कि जिस जगह के लिए हमने इस जगह से स्थलांतरित हुए थे, हमारी झुग्गी झोपड़ियां, उस बुद्ध विहार को एक तो वापस चालू करना चाहिए। आरसीएफ कंपनी वासेनाका जैसे एक ऐसे विभाग में है जहां पे आजू बाजू में सब जगह पे लोकेलिटी या स्लम्स की लोकेलिटी है, और स्लम के विभागों में बहुत बड़े पैमाने पे प्रदूषण होता है। तो हमने पहली मांग तो ये की थी कि बुद्ध विहार चालू होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि आप लोग जो सीएसआर का फंड, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड बोलते हैं, उस फंड के माध्यम से यहाँ के युवाओं को, बेरोजगारों को आपको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। कंप्यूटर्स के माध्यम से रहेगा या हाइजीन के माध्यम से रहेगा, आपको मेडिकल कैंप कुछ करने चाहिए, टॉयलेट का प्रायोजन करना चाहिए, और इस प्रकार से यहाँ के सारे लोगों को साथ में लेके आरसीएफ को काम करना चाहिए। आरसीएफ ने हमारी वो भी मांग ली। इसके बाद में आरसीएफ कंपनी ने हमको वादा किया है कि अगले महीने से ही शायद तो यहाँ पे टैली कोर्सेस और ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे, फिर एडोब फोटोशॉप रहेगा, कोरल ड्रॉ रहेगा, पेज मेकर रहेगा, जिस कारण से वहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, ऐसे कुछ कोर्सेस आरसीएफ के जेट हॉस्टल में चालू करने की बात की है। तो उसी के अलावा यहाँ पे एक बड़ा पैमाने पे एक स्लम है पहाड़ के ऊपर, जिसको हम गणेश नगर, सह्याद्री नगर, अशोक नगर, कस्तूरबा नगर कहते हैं, वहां से एक रोड जा रहा था, डीपी रोड। डेवलपमेंट प्लानिंग में आरसीएफ ये 25 साल से रोड हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन आरसीएफ अभी तक दे रही नहीं थी। लेकिन इस अनशन का और एक फायदा हमको बहुत अच्छा हुआ कि दहशत के मारे से, लेकिन आरसीएफ ने ये मंजूरी दे दी कि हम आज के आज उस बीएमसी में जाके हमारा कंसेंट दे देंगे और एमओयू फाइनलाइज कर देंगे गवर्नमेंट और बीएमसी का, ताकि इन झुग्गी झोपड़ियों वाले लोगों को रास्ता मिल जाए और डीपी प्लान में ये रोड का प्रायोजन मिल जाए। आरसीएफ की हद में और दो बहुत बड़े पैमाने की चीज है, अगर आपने देखा होगा तो आरके स्टूडियो के बाजू में शिवाजी महाराज का एक चौक बना गया है, शिवाजी महाराज पुतला, उसी के बगल में एक नीला झंडा है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का वो झंडा है। हमने आरसीएफ से मांग की थी कि उस झंडे का भी, जिस प्रकार से आपने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला वहां पे अच्छे तरीके से बनाया, उसी प्रकार से उसी धरती पे 10 लाख लगे या 50 लाख लगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नीला ध्वज भी उसी तरीके से अच्छे पैमाने में सौंदर्यकरण या सुशोभीकरण के माध्यम से वहां पे होना चाहिए। उसी के साथ हमारी और एक डिमांड थी कि ये जो बुद्ध विहार है, ये पिछले एक साल से एकदम बकाल अवस्था में पड़ा है, इसका आप जीर्णोद्धार करो, और इसमें सुशोभीकरण के माध्यम से आरसीएफ ने भी हमको वादा किया है कि 5 लाख लगे, 50 लाख लगे, 1 करोड़ लगे, बौद्ध की भूमि है,
हम गौतम बुद्ध का बुद्ध विहार अच्छी तरीके से बना के देने का काम करें। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you